के छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कृषि बिल संबंधी कानूनों और राज्य सरकार की धान खरीदी के विरोध में आज किसान सड़कों पर उतरेंगे। किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और धरना देंगे। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास सेरीखेड़ी में किसान नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा किसान और जन संगठन इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो आप सभी को बता दें, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कृषि बिल संबंधी कानूनों और राज्य सरकार की धान खरीदी के विरोध में आज किसान सड़कों पर उतरेंगे। छत्तीसगढ़ के 50 से ज्यादा किसान, आप सभी को बता दें, और जन संगठन इस आंदोलन में शामिल होंगे। सड़कों पर उतरकर सरकार के विरोध में सभी किसान प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। आप सभी को बता दें, छत्तीसगढ़ के करीब 50 से ज्यादा किसान इस विरोध में शामिल होंगे। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट ले लेते हैं। मोहन तिवारी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय कृषि बिल संबंधी कानूनों को लेकर आज किसान सड़कों पर उतरेंगे, क्या कुछ मांगे हैं इसके बारे में जरा हमें बताएं। देखिए, 8 सूत्री मांग है और इन 8 सूत्री मांगों में केंद्रीय कृषि बिल का विरोध, उसे वापस लेना शामिल है। साथ ही राज्य सरकार से भी मांग है कि जो धान खरीदी है वो 10 नवंबर से हो। तो इन दो प्रमुख मांगों और 8 मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें कोशिश है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को आज जाम किया जाएगा। हालांकि ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने भी अपनी व्यवस्था की हुई है, जिसमें अगर किसान सड़कों पर आते हैं, चक्का जाम की स्थिति बनती है, तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन किसान संगठनों ने राष्ट्रीय स्तर पर जो किसानों का आंदोलन है उसमें सहभागी बनते हुए ये ऐलान किया है, इसलिए पूरे देश में इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ये प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा। जी जी, धन्यवाद मोहन जी अपडेट देने के लिए। तो आप सभी को बता दें, आज छत्तीसगढ़ का किसान सड़कों पर उतरने वाला है और धान खरीदी को लेकर जो भी उनकी मांगे हैं इसको लेकर प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय कृषि बिल संबंधी कानूनों और साथ ही राज्य सरकार की धान खरीदी के विरोध में आज किसान प्रदर्शन करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के, आप सभी को बता दें, 50 से ज्यादा किसान और जन संगठन इस आंदोलन में शामिल होंगे।